अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जून का महीना कुछ बेहतर नहीं रहा। फैक्ट्री प्रोडक्शन घटने और खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद थोक महंगाई दर में भी काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। पिछले महीने थोक महंगाई दर 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। जून में WPI 5.77% पर रही है। इससे पहले मई महीने में ये 4.43% के स्तर पर बनी हुई थी। पिछले साल जून की बात करें तो इस दौरान WPI 0.90% के स्तर पर थी। WPI के आंकड़े अनुमान से भी ज्यादा सामने आए हैं। अनुमान जताया जा रहा था कि जून में थोक महंगाई दर 4.93% के आसपास रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले मई महीने में भी थोक महंगाई दर 15 महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते WPI में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा खाद्यान्न और मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। मई माह दर माह की बात करें तो थोक महंगाई 1.1% की दर से बढ़ी है, जबकि मई में ये 0.9% के स्तर पर थी। जून में प्राइमरी आर्टिकल की महंगाई 2.0% की दर से बढ़ी है। ईंधन और पावर बास्केट के लिए ये बढ़ोतरी 3.0% रही। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए ये 0.4% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHPC न्यूज़।